दुनिया की लाइलाज बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी बीएमडी से ग्रसित कृष्णकांत टंडन के पिता जितेंद्र टंडन ने अपने बेटे के भरण पोषण के लिए विधायक, कलेक्टर और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। बालोदा बाजार जिले के बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम मुड़ापार निवासी 10 वर्षीय कृष्णकांत पिता जितेंद्र टंडन जिस बीमारी से ग्रसित है, उसका कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी का प्रकोप उम्र के हिसाब से बढ़ता जाता है। कृष्णकांत की बीमारी की जानकारी परिजनों को तब लगी जब वह स्कूल में सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते गिर गया, जिसके पैरों पर सूजन दिखाई देने लगी। तब परिजनों ने उसे डॉक्टर को दिखाया। रायपुर से लेकर बॉम्बे तक कृष्णकांत का उपचार करवाया। बॉम्बे में परीक्षण पश्चात बीमारी का पता चला। डॉक्टरों के अनुसार यह बीमारी अनुवांशिक है। आज कृष्णकांत को सहारे की आवश्यकता है। उसके पिता ने अपनी जमीन बेचकर उपचार में पूरी राशि खर्च कर दी। यह बीमारी बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार इस बीमारी का पेशेंट बमुश्किल 15 से 20 वर्ष तक की आयु तक जिंदा रहता है। इस बीमार के पिता जितेंद्र टंडन ने विधायक, कलेक्टर और मुख्यमंत्री से कृष्णकांत के भरण पोषण के लिए गुहार लगाई। देखना यह होगा कि इस बीमार बच्चे की मदद के लिए कौन आगे आता है। प्रशासन से कोई लाभ नहीं मिले, हम कलेक्टर का आवेदन लगाए तो कलेक्टर इसमें कुछ मदद नहीं कर सका। मुख्यमंत्री आवेदन लगाए अभी वहाँ से कागज अभी और इलाज अपन जो भी मतलब रही घर में देला ना, थोड़ा मोड़ा जमीन वमीन लोती थी बेचे भी हम और सकेला और इलाज पानी करवा हम और शक्ति अनुसार इलाज नहीं कर सकता। घर में बैठे हम, शासन से भी कोई मदद नहीं मिली हमारी। बिलाईगढ़ से करण साहू की रिपोर्ट।